कि इसे नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ देख रही, कुछ दिखाई ना दे रो। पांच पति सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ के एक बात कही है, हे प्राणनाथ, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से प्यारी होती है, और मैं पांच पतियों की पत्नी हूं, नाथ आपको शर्म नहीं आती क्या? एकदम से भीम तामसी स्वभाव के थे तो उठने का साहस व्यक्त किया, धर्मराज ने दबा दिया, बोले क्या कर रहे हो, जहां बोलना था वहां नहीं बोले, आज बोलने के लिए खड़े हो गए, कुछ नहीं होने वाला, द्रौपदी को हम लोग जुए में हार गए। आज मैया गांधारी के पास झोली फैलाए के पहुंची, मैया देख ले तेरे बेटा कैसी इज्जत हमारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन है भैया कि जिंदगी में अगर किसी का सम्मान न कर सको, न हो पाए तो मत करना, लेकिन दो लोगों के सम्मान में कभी कमी मत करना, पहली है मां और दूसरी है पत्नी, एक तुम्हें दुनिया में लेके आई है और दूसरी दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। भगवान ने कहा है कि मां तो वो रत्न है, मां को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं घर घर जाकर के किसी की खबर नहीं ले सकता, इसलिए मैंने मां बनाई है। आज का नियम है इस कलयुग में चार बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। मां अगर खाना बनाकर के रसोई घर से निकले और मां को बुखार हो, बच्चा धीरे से पूछ ले मैया तुझे बुखार है, तो पसीना पोंछ के जवाब देती, अरे बाबरे भूत का पागल है गयो, हमें बुखार ना है, वो तो रसोई घर से निकली हूं इसलिए शरीर गर्म हो गया। एक बच्चा जब अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है ना, तो वापस जब होता है तो वो मां बच्चे को जवाब देती है, लाला तू अपनी गलती मत समझना कि तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा है, मैंने चार बेटियों को पेट में मार करके तब तुझे पैदा किया था, तो वो जो पाप किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। वृद्धाश्रम में एक मां जब अंतिम सांसें लेती है तो महाराज अंतिम सांसों में अपने बेटे को बुलाती है कि बच्चा अब मैं शायद एक घंटे दो घंटे की मुश्किल से हूं, तू एक बार हमसे बात कर ले। बच्चा जब मिलने के लिए पहुंचता है ना, तो वो मां अपने बेटे को जवाब देती है कि लाला यहां गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे, जिस कमरे में मैं रहती हूं ना यहां गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे। तो वो बेटा जवाब देता है, क्या मैया तू पागल हो गई, आज तू खत्म हो जाएगी और यहां पंखे की क्या जरूरत है। तो वो मां आंखों में आंसू लेके जवाब देती है, पूत मैं तो मर जाऊंगी लेकिन ये निश्चित है कि जब तेरे बच्चे तुझे यहां छोड़ने आएंगे तो मेरा विचार है कि तुझे यहां गर्मी न लगे, मैं ये चाहती हूं कि तुझे यहां गर्मी ना लगे, इसलिए यहां पंखा लगवा दे।